नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये झारखंड एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए दोस्तों, कल आप लोगों का झारखंड एसएससी सीजीएल का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ उन लोगों का जिनका एग्ज़ाम आप लोगों को 28 जनवरी को है। 4 फरवरी वालों का आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है, सिर्फ ये बता दिया गया है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है सो 4 फरवरी को होगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग भी पिछले बार की तरह ये गलती करेंगे तो आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा और आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर करके आता हूँ। देखिए दोस्तों, बिना किसी देरी का अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि 4 फरवरी वालों का एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि जब 28 को एग्ज़ाम था तो उसका एडमिट कार्ड 21 को जारी किया गया है, यानी कि 7 दिन पहले। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 4 फरवरी से 7 दिन एग्जैक्ट पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, जिन लोगों का एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है, जिन लोगों का एग्ज़ाम जो है 4 फरवरी को है। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग जाते हैं उस टॉपिक पर में जिसके कारण आप लोग को एग्ज़ाम से बाहर भी किया जा सकता है अगर आप लोग भी ये गलती करते हैं तो। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और आप लोग आधार कार्ड ले जाते हैं तो आप लोग एक सावधानी बरतिए, क्योंकि आप जितना भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है उस सब में ई आधार जो होता है दोस्तों, इसको वैलिड नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसका जो QR कोड होता है वो QR कोड आपको बहुत ही ज़्यादा आपको वो ब्लर रहता है। इसके कारण जो है सो ई आधार को वैलिड नहीं माना जाता है, बहुत सारे कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर से ही वापस आना पड़ता है। तो आप लोग एक काम कीजिए, ओरिजिनल आधार कार्ड लेके एग्जाम देने के लिए जाइए, या फिर आप जो है कोई दूसरा आईडी प्रूफ जो है साथ में लेकर के जाइए। कम से कम 2 आईडी प्रूफ लेकर के जाइए। पिछले बार भी कुछ लोग जो स्टूडेंट हैं वो आधार कार्ड के कारण ही, क्योंकि वो सिर्फ आधार कार्ड लेकर ही गए थे और वो भी ई आधार कार्ड लेकर के गए थे, तो उनका जो QR कोड था वो घिसा हुआ था, तो इस कारण से उनको काफी ज्यादा परेशानी हुआ और एग्जाम से भी हाथ धोना पड़ा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।